हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ना, ये वेडनेसडे का ही क्लिप था। मैंने इस ब्लॉग को वेडनेसडे इवनिंग से स्टार्ट किया था और इस वीडियो के बैकग्राउंड में वॉइस कवर जब मैं दे रही हूँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो थोड़ा बारिश का आवाज़ भी आएगा, सो प्लीज़ डोंट माइंड। सो यहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ पैकिंग करने, तो वहाँ पे मैंने देव को पढ़ाई करने के लिए बैठाया है और इधर मैं टीवी में कुछ लगा रही हूँ। देव तो नहीं देखता ना, जो मैं देखती हूँ वो तो गेम वगैरह ये सब देखता है, तो वो सब लगा, मतलब जो मैं देखती हूँ उसके साथ साथ वो तो पढ़ाई भी कर लेगा और मैं इधर पैकिंग भी कर लूँगी। सो इसी वजह से मैंने यहाँ पर टीवी ऑन करके उसके बाद देव को जो भी होमवर्क वगैरह कराना था मैंने उसे बता दिया है और थोड़ा सा डांट लगा रही हूँ क्योंकि वो ना बदमाशी कर रहा था, मतलब पढ़ाई के टाइम उसको जितना भी मतलब ये करा लो, बहानेबाजी करा लो, तो वही वो कर रहा था यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे ज़्यादा कपड़े नहीं लिया है, कुछ कुर्ती वगैरह लिए हैं, एक दो साड़ियाँ लिए हैं उसकी मैचिंग के, सब कुछ रख लिया है। और भाई घर जाऊंगी तो मम्मी के दुकान से कुछ ना कुछ ले अभी खरीदूंगी ही, मतलब खरीदूंगी क्या, लेने ही वाली हूँ मैं मम्मी के दुकान से। मम्मी के पास बहुत सारा मतलब कुर्ती वगैरह होता है, तो ज़्यादातर मैं कुर्ती जो भी पहनती हूँ ना वही का होता है, जैसे कि जो भी मैंने अभी पहना हुआ है और जो मैं पहन के जाने वाली हूँ, अभी थोड़ी देर में शेयर करूँगी आपके साथ कि मैं क्या पहन के जाने वाली हूँ, वो सब कुछ मैंने मम्मी के पास से ही लिया हुआ है। और यहाँ पे आप देव को देख रहे हैं, पढ़ाई के टाइम में मतलब जितना भी बदमाशी उससे करवा लीजिए, मतलब कि अगर उस पर ध्यान ना दो तो वो मतलब कुछ से कुछ करते रहेगा। पढ़ाई के अलावा मतलब सब कुछ करेगा लेकिन पढ़ाई सिर्फ नहीं करेगा। सो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं लिए हैं, तो मेरा और देव का एक ही बैग में सब कुछ अट गया था, मतलब सब कुछ आ गया था, बहुत ज़्यादा कपड़े मैंने नहीं लिया हुआ है। सो पैकिंग भी जो है बहुत ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं किया है। ज्वेलरी मैंने उधर दो बॉक्स दिख रहा होगा आपको पिलो के ऊपर, उसी में मैंने एक में मेकअप का सामान है और एक में ज्वेलरी वगैरह जो भी मैं सेट का पहनूंगी वही है। तो बस इतना ही कुछ है अभी पैकिंग के लिए। अभी जस्ट मेरा पैकिंग का काम कंप्लीट हुआ और ये वाला मैं पहन के जाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ढीला ढला है ना, तो पहनने में बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है, तो ये वाला मैं पहन के जाऊंगी और इसलिए मैंने इसको निकाल के फिलहाल रखा है देखने के लिए साफ है कि नहीं। मैंने ना पहन के वैसे ही रख दिया था, धुलने भी नहीं दिया था, लेकिन ये साफ है, वाइट कलर है ना, इसलिए थोड़ा सा दाग वगैरह का टेंशन होता है, लेकिन ये साफ है तो यही वाला पहन के चली जाऊँगी और इसको फिलहाल तय करके इसी में रखूँगी। सारा पैकिंग वगैरह हो गया है, जो ज्वेलरी है मैं इस बॉक्स में ले चुकी हूँ, ये पार्ट पार्ट में डिवाइड किया हुआ बॉक्स है, इसमें जो भी लगता है वो ले लिया है मैंने। तो सब पैकिंग का काम आज निपट गया, जैसा कि मैंने कहा था कि पैकिंग आज मैं निपटा लूँगी और कल मैं थोड़ा सा अपना केयर करूँगी, मतलब अपना क्या, वही आईब्रो बनाऊँगी, अपर लिप बनाऊँगी, थोड़ा होगा तो ब्लीच करूँगी, फेशियल तो करने का टाइम नहीं है मेरे पास, मतलब टाइम लगता है ना, बहुत ज़्यादा आलस आता है मुझे वो सब करने में, सो इसलिए नहीं करूँगी, सिर्फ ब्लीच करूँगी। सो यही मैं पहन के जाने वाली हूँ, सो अभी बस इतना ही। और अब यहाँ पे टाइम हो रहा है, सॉरी टाइम बोल रही हूँ, अब यहाँ पे नेक्स्ट डे का इवनिंग हो रहा है, यानी कि थर्सडे का इवनिंग, और दिन भर मेरा वैसा ही गया, जैसे कि खाना पीना बनाना, नाश्ता बनाना, घर का टुक टाक काम करना है, सब कुछ अपने अपने जगह पे ठीक से रख देना ताकि एक बार में जो भी वो खोजे वो उनको मिल जाए, नहीं तो एक चीज़ ढूंढने के चक्कर में मेरा और 100 काम मतलब लगा देंगे, तो उनके सारे कपड़े को ऊपर की तरफ, बाकी सारे कपड़ों को नीचे की तरफ, इस टाइप से मतलब जो भी उनके ज़रूरत का सामान है वो आगे आगे करके रख देना, ये सब मैंने किया था। और अब शाम का वक्त हो रहा है, दियावती वगैरह मैं कर चुकी हूँ और देव उधर टीवी देख रहा है, जो कॉर्नर में थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा, तो अभी मुझे टाइम मिला है खुद के लिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आईब्रो बनाने आ गई हूँ। और आईब्रो मैं
काफ़ी टाइम से खुद से बनाती हूँ, मतलब कि 3-4 साल से मैं आईब्रो, अपर लिप्स, फेशियल वगैरह खुद से बनाते हैं। और ये जो फेस रेजर है ना, इससे बहुत ज़्यादा आसानी लगती है मुझे, मतलब कि मैंने इसे अमेजोन से शायद 200 से 250 रुपये में तब ख़रीदा था, आज से 3-4 साल पहले, और 3 का सेट आता था। अभी तो मैंने काफ़ी टाइम से चेक नहीं किया है ये सब कुछ, तो मुझे एग्जैक्टली अभी इसका दाम तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी दिनों पहले मैंने ख़रीदा था। सो अभी ये लास्ट वाला रेजर जो है वो बचा हुआ है, ये यूज़ कर रही हूँ, तो 3 का सेट आता है। आप भी चाहे तो ख़रीद सकते हो, बहुत अच्छा होता है ये सब, मतलब अगर आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है तो आप इस टाइप से घर में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे बस मैं अपर लिप्स बना लूँगी और उसके बाद जाके ब्लीच जो है वो करूँगी। तो 3 साल से भी मैं पार्लर नहीं गई हूँ और इसी रेजर। सो आईब्रो वगैरह बना लिया है मैंने, टीवी का आवाज़ इग्नोर करिएगा प्लीज़, मेरे बेटा को कितना भी बोलती हूँ टाइम, मतलब टीवी का साउंड ऑफ कर, वो नहीं करता है। और ये मेरे पास अरोमा लिप्स का, ये काफ़ी टाइम से है, अभी तक एक्सपायर डेट नहीं हुआ है, इसका एक्सपायर डेट अभी काफ़ी 2022 को है, सो अभी तक इसका एक्सपायर नहीं हुआ है, तो मैं इसी को अभी यूज़ करने वाली हूँ अरोमा लिप्स का ब्लीच। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में ब्लीच और जो एक्टिवेटर होता है वो ले लिया है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा सा ब्लीच लिया था और उसमें 1.5 चुटकी एक्टिवेटर डाला था। ऐसे ही डालना चाहिए जो जिसका मतलब ये गोम, मतलब बहुत ज़्यादा ना गोरे हैं जो लोग, ना ही ज़्यादा काले हैं, उसके लिए 1.5 चुटकी एक्टिवेटर और थोड़ा सा क्रीम बहुत ज़्यादा मतलब ठीक रहता है, ज़्यादा नहीं मतलब दिखता भी नहीं है कि आपने ब्लीच किया है नहीं किया है। और ब्लीच का कलर भी बहुत अच्छा, मतलब जो ग्लेज आता है वो भी बहुत अच्छा आ जाता है। सो मैंने यहाँ पे एक कटोरी लिया है, आप इस टाइप से कोई भी कटोरी, मतलब स्टील की कटोरी में नहीं करनी चाहिए, या कांच का ले लो या फिर चीनी माटी का जो भी कटोरी वगैरह है वो सब ले के आप यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे बस मैंने एक कटोरी में इसको घोल लिया है और अप्लाई करने के लिए फिंगर का ही यूज़ कर रही हूँ, ब्रश वगैरह तो मेरे पार्लर में ही छूट गया ना, जो पार्लर बेचा मैंने, सो पार्लर से मैं कुछ भी नहीं ला पाई थी, सो सब कुछ वहीं रह गया था, सो हाथ से ही मैं यहाँ पे सब कुछ अप्लाई कर रही हूँ। और ये सब अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद मैं 15 मिनट रखूँगी, 15 से 20 मिनट गुड इनाफ होता है, मतलब इससे ज़्यादा रखनी भी नहीं चाहिए, फेस पे कोई भी पैक कोई भी कुछ भी लगा के 15 से 20 मिनट रखना चाहिए। और देव से बात करते करते यहाँ मैंने पूरे चेहरे पे अभी मैंने यहाँ पे पूरे चेहरे पे अभी ब्लीच लगा लिया है और 15 मिनट का वेट करूँगी और उसके बाद वॉश कर लूँगी। अब वेट करती हूँ 15 मिनट का। अब ब्लीच करने के बाद यहाँ पे मैंने अपने चेहरे को वॉश कर लिया है, 15 मिनट मैंने रखा था ब्लीच को, काफ़ी बार मैंने पहले भी शेयर किया है, 15 मिनट ही सिर्फ रखना होता है, इससे ज़्यादा नहीं रखती हूँ मैं, थोड़ा सा और डार्क हो अगर स्किन इससे ज़्यादा तो 20 मिनट रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, 15 से 20 मिनट कोई भी चीज़ अपने चेहरे पे रखना चाहिए। तो बस अभी अब इस तरफ दिखाती हूँ मैं आपको, कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं उन सबको अब मैं जा रही हूँ तय करने और उसके बाद बनाऊँगी डिनर वगैरह। सारे कपड़ों को पहले ही मैंने तय कर लिया है और तय करने के बाद मैंने यहाँ पे ऐसे ही नीचे में रख दिया था और अब उन सबको उठा उठा के अपनी जगह पे रख रही हूँ। तो इनका ही कपड़ा ज़्यादा था, मेरा कपड़ा एक दो था, तो मैंने अपने कपड़े के नीचे की तरफ उनके कपड़ों को ऊपर की तरफ रख दिया है और एक मैंने कुर्ती बाहर निकाल के रख लिया है, हल्का हल्का गीला था ना तो इस टाइप से मैंने वहाँ पर सूखने के लिए दिया हुआ है, रात भर में सूख जाएगी तो सुबह नहाने के बाद पहनने के लिए सही रहेगा। और यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ बेड पर थोड़ा सा नेल पेंट लगाने, मैं बहुत कम नेल पेंट लगाती हूँ, मेरे नेल पेंट जो है ना वो परे परे सूख जाते हैं पर मैं उसे लगाती नहीं हूँ, तो मैंने इसे अभी ख़रीदा था शायद 3-4 महीना करीब हो गया होगा, पर अभी तक ये भरती भरती नेल पेंट का बोतल जो है वो एकदम नया जैसा ही भरती भरती है, एक दो बार ही मैंने लगाया था, तो ऐसे भी मुझे नेल पेंट लगाना ही था, मैं बहुत भूल जाती हूँ नेल पेंट लगाने में, ऐसे भी रेडी होती हूँ ना तो सब कुछ करती हूँ बस नेल पेंट लगाना भूल जाती हूँ, अपने अगर गौर किया होगा मेरे वीडियो में तो मैं रेडी पूरी रहती हूँ पर हाथ में नेल पेंट नहीं होता है। तो बस एक करने के बाद मैंने बनाया था डिनर और इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो कहीं भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।